केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश कर दिया है। अन्य क्षेत्रों की तरह आवासीय क्षेत्र को लेकर भी कई अहम ऐलान हुए हैं। बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि मध्यम वर्ग के लोगों को किफायती घर मुहैया कराने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के विस्तार की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना जून 2015 में सभी के लिए आवास के उद्देश्य से शुरू की गई थी। योजना की मौजूदा समय सीमा दिसंबर 2024 को 5 साल तक बढ़ाया गया है। पीएम ग्रामीण योजना के तहत 3 करोड़ घर दिए गए हैं, वहीं अगले 5 वर्षों में इसमें 2 करोड़ नए आशियाने बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में वित्त मंत्री ने लोगों को किफायती घर मुहैया करने के लिए बड़ी घोषणा की थी। पीएम आवास योजना के लिए बजट को 66% बढ़ाया गया। इसका फंड 79,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया गया। वहीं शहरी विकास पर सालाना 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा हुई थी। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान वित्त मंत्री द्वारा पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। वहीं 2023-24 में इसे बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया गया था। शहरों को भविष्य के स्थायी शहरों में बदलने के लिए शहरी नियोजन सुधार और कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहन देने की बात कही गई थी। अपनी साख में सुधार के लिए संपत्ति कर प्रशासन सुधारों और रिंग फेंसिंग उपयोगकर्ता शुल्क के जरिए शहरों को प्रोत्साहित करने की घोषणा हुई थी। वित्त मंत्री ने घोषणा किया था कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना विकास निधि के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। बजट भाषण में कहा गया था कि शहरों में पूरी तरह मशीनों से मल टैंकों वैनहोलों की सफाई होगी। सूखे और गीले कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। आयकर अधिनियम की धारा 54 और 54H के तहत आवासीय गृह में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा को 10 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया था। यह निर्णय कर रियायतों और छूटों को बेहतर लक्षित करने के लिए लिया गया था। वित्त मंत्री ने भाषण के दौरान कहा कि नई तकनीकों से कारोबार को मदद मिल रही है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अटल जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे और विस्तार देते हुए जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा दिया है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह स्वर्णिम दौर है। 1,00,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त या कम ब्याज दर पर कोष वितरित किया जाएगा। इससे दीर्घकालिक वित्तीय मदद दी जाएगी। इससे निजी क्षेत्र को मदद मिलेगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।